दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीमेल आईडी डिलीट कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जीमेल आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों जीमेल आईडी को डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जीमेल एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपके जीमेल आईडी का लोगो दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी दिखेगी और यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे एरो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपके फ़ोन में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी यहाँ पे आ जाएंगी। आपको जिस भी जीमेल आईडी को डिलीट करना है वो जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर डाटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। डाटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। आप यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डिलीट योर गूगल अकाउंट। आपको यहाँ पर डिलीट योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। डिलीट योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। इसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक डालना है। आपने अपने फ़ोन में जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखा है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। इसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इन दोनों बॉक्स में टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारी जीमेल आईडी डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपनी जीमेल आईडी को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो को देख के कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।